नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी के गोलापार से, जहां गोलापार बाईपास रोड में आंवला चौकी के पास आग लगने की एक घटना सामने आई है। यहां पर भीषण आग लग गई है कुछ कच्ची झोपड़ियों में। यहां पर कई मवेशियों और जानवरों के जलने की सूचना है। आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आसपास के लोगों ने और गाँव वालों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। यहां आंवला चौकी के पास कुछ कच्चे मकान हैं जिनमें कुछ अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, लेकिन अभी तक किसी इंसान के घायल होने की कोई खबर नहीं है। अभी तक सिर्फ सूचना है कि कुछ जानवर इस आग में जल गए हैं और कुछ झुलस गए हैं। आग लगने के कारण का अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन गोलापार बाईपास रोड पर आंवला चौकी के पास ये घटना हुई है, जहां पर अचानक से आग लग गई और जानवरों को संभलने का मौका नहीं मिला है और आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पे काबू पाया है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी मकान लगभग जल चुके हैं और लोग अपना बचा कुचा सामान यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आग लगने का अभी कुछ कारण पता नहीं चल पाया है। इस ब्रेकिंग न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।